हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज 24 अप्रैल है एंड कल मेरा बर्थडे है। यस, सो कल मेरा बर्थडे है तो अभी मैं जा रही हूँ एक काम से। Actually, और अभी एक चुड़ैल लग रहे हैं। थैंक्स। सो मैं जा रही हूँ काम से। मैं मतलब कल हम मतलब मेरा इरादा है कि बहुत सारे बेगर्स हैं उनको हम कुछ फूड और अभी बहुत गर्मी भी है तो कुछ ठंडा दे, तो मैं कुछ खाने के लिए देख रहे कि क्या दे सकते हैं उन्हें, तो बस उसी के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ। सो अभी मैं बाहर जाऊँगी, देखूँगी कल के लिए मैं सब खाने का और पीने का ऑर्डर देने जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगी एंड मैं बहुत सैड हूँ, बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया था पहनने के लिए बर्थडे के दिन के लिए, बट वो आया नहीं और ना ही अभी तक वो डिस्पैच हुआ है, तो मुझे वो भी लेने जाना है, तो अभी वो भी लेने जाऊँगी मैं। ओ बड़ा प्यार आ रहा है, आज सिम्बा को क्या हो गया है, और ये देखो हमारा जंगली, ये लेब्राडोर है या ढोर है, पूरा दिन इसको मस्ती मस्ती करते रहता है। और ये है पिल्लू। लैमड़ी और पैमड़ी, लैमड़िया और सिमड़िया, सैमड़ा सिबड़ी डूब 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 डूब। यस 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 यस, हाँ सिबड़ी सिबड़ी डूब 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 सिबड़ी। नहीं अब इनका खाना चल रहा है। मैं जाके ऑर्डर देकर आई हूँ कुछ फूड का और अभी पेपर बोट लेने जाऊंगी मैं शाम को। मैं बाहर जाके आई पर इतनी धूप थी कि मैं बाहर के क्लिप्स नहीं ले पाई। और अभी मेरे घर पे मेला लगा है, ये कौन आया है, क्यों नहीं हो रहा है डबल टिप पे। क्या कुछ ऐसा ही बोला, ऐसे बोला ना तो क्या बोल रहे थे, कुछ अजीब भी बोले वो, बोले थे मुस्लिम है कि हिंदू है। नहीं नहीं, हाँ और मेरा ड्रेस देख के बोलता है कि तो बच्चे का सिया है, मेरे को शर्म आती है टॉप देख के। क्या कटप्पा लगता है पहले तू भी पॉफी बेचती थी। सब याद रहता है इसको। देखो गाइस, मिस तरन्नुम बर्तन धो रही है। आजो आप भी बर्तन धोने, वरना डंडे पड़ेंगे, मार पड़ेगी घर पे। हमको तो मार पड़ती है अगर काम ना करे तो, और ये लोग आराम फरमा रहे हैं। हमारा काम है आराम फरमाना। हाँ बहुत अच्छा। रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे कुछ कल पहनने के लिए आउटफिट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बर्थडे वाले दिन कुछ पहनने के लिए मुझे चाहिए। और दूसरा कि मैंने कल कुछ फूड वगैरह लेना है कुछ, तो वो लेने जाना है। तो अभी मेरा एक फ्रेंड आके नीचे वेट कर रहा है तो मैं जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ, अभी बाहर जा रहे हैं हम, मिसबा को पिक करना है, लेकिन मिसबा अभी मम्मी के साथ बाहर गई है। तो गाइज अभी हम लोग पता नहीं कहाँ जाए क्योंकि मुझे दो तीन जगह जाना है, एक सारी अपोजिट जगह है, समझ में नहीं आ रहा है पहले कहाँ जाए। सो गाइज मैं वेस्ट साइड जाके आई पर वहाँ पे मेरा थोड़ा किसी के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए मैं क्लिप्स नहीं ले पाई, ठीक है। और वेस्ट साइड में मुझे कुछ पसंद नहीं आया, सो अभी फ़िलहाल डिसाइड किया है कि मैं वही जो मेरे पास अभी है कुछ कपड़े वही पहनूंगी। अच्छी बर्थडे आज तक, सॉरी इससे बुरी बर्थडे आज तक नहीं गई, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। सो गाइस मुझे भूख लगी थी, हम लोग सब घूम लिया, मैंने कुछ भी लिया नहीं फाइनली एंड अभी मैं आई हूँ मद्रास भवन में, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, सो चलो देखते कैसा है यहाँ का खाना। सो गाइस मैं यहाँ पे मद्रास में अनलिमिटेड खाना खा रही हूँ और ये सब कुछ बहुत डिलीशियस है, मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया, चटनी तो ओ माय गॉड बहुत ही अच्छी है। सो ये है अपने गौत्री साइड में, तो यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करना है, यहाँ पे सब कुछ मद्रास में मतलब लाइक साउथ इंडियन सारी आइटम्स हैं।
और वो भी ओनली ऑन 300 रुपीज में, 299 में। Hey guys, मैं अपने बर्थडे का केक लेने खुद आई हूँ। नहीं, मैं खुद नहीं आई क्योंकि बर्थडे का केक लेने मेरा फ्रेंड जा चुका है। ये मैडम को पिक किया है, इसकी बर्थडे लग रही है। मैं तो कैसे लग रही हूँ यार, वो देखो इसी के बर्थडे, इससे केक कटवाऊंगी। yes. मैं ऐसे बस सुबह से रेडी होकर निकली थी, तो मैं बस मेकअप वेकअप जो किया हुआ है, कपड़े भी कल पहनूंगी यार कुछ अच्छा सा। कर देना इसको, समझ गया। दो भाग में करके सर, और आप इस देखिए, एक ये इसमें लगा देना वायर, एक इसमें। लेकिन याद रखिएगा, तब तक वायर नहीं लगाना जब तक ये ऑफ ऑन का बटन है ना, ये आपका ऑफ रहना चाहिए। ये बटन ऑफ रहेगा ना, ऑफ बटन करके तब ये आपको दोनों में एक एक लगा के, और ये ऑन करके ऐसे स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इससे करंट वरंट या फिर इससे जलने की कोई लगेगा, जलने का सब कुछ सब खतरा है। अगर किसी की मुंह पे अगर करेगा तो मुंह जल जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली है। ऐसे आपको करना है, पता चला कोई है यहाँ पे निब्बे तो उसने ऐसा कर दिया। तो हेलो भाई, तो गाइस हम लोग अभी इधर लेने आए थे हमारी बर्थडे का शॉपिंग। दो ये हुआ, दो पार्टी पॉप, एक टोटल बताओ मेरे को, टोटल टोटल बता दो। हाँ। भैया नंबर दे देना अपना। हाँ? हाँ। हम बतियाएंगे फोन पे अच्छे से, मेरे को भी सीखना है आपसे हिंदी। देखिए 100 आपका ये हो गया, 100 और आपका ये 80 रुपीज हो गया। केक का सामान खुद ही लेके बैठी हूँ मैं, केक का इंतजार कर रही हूँ मैं। तो अभी केक बनने वाला है, मतलब बन चुका है, बस अभी 5-10 मिनट में आ रहा है। तो हम आ गए हैं अभी बूट्स पे, यहाँ पे हम अभी मेरा केक कट करेंगे। बट पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत नींद आ रही है घर पे, तो मुझे 2-3 बजे तक नींद नहीं आती, मेरे को बहुत नींद आ रही है। पर अभी आप मेरी आंखें देख सकते हो, मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कब घर जाऊँ और सो जाऊँ। एंड मुझे वीडियो घर जाने के बाद भी सुकून नहीं है, मुझे एक ब्रांड को वीडियो बना के देना है यार। मतलब काम, बर्थडे के दिन भी काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी बातें पर थक भी गई हूँ मैं। तो अभी घर जाके पहले मुझे वीडियो शूट करनी है, आके देख रहे हो मेरी। ये बच्चा पार्टी आया है अभी अभी के अभी अभी बर्थडे शुरू नहीं हुई, इसके पहले इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। के बकवास गिरी में जरा व्लॉग में लो, लोगों को इंटरेस्ट आए। सिम्बा लिली को भी लेके आना चाहिए था इधर। जब ये व्लॉग चालू करते तो तेरा एंटरटेनमेंट गायब हो जाता है ना। अब बकवास कर दे रही, अब नहीं रखूंगा यहाँ। पानी लो, स्टार्ट करो। ऑन कर बेला, ऑन करवान कि तुम इधर सेलिब्रेशन हो गया और अब इतनी नींद आ रही है, अभी सिर्फ 1 बजा है और इतनी नींद आ रही है, क्या बताऊँ। इस बार तो ऐसे सो गई है ऐसा। अभी थोड़ी सी खुली हवा, और एक्चुअली मैंने लेंसेज पहने तो मुझे आंखें बहुत दुख रही है, तो बस घर पे जाना है और लेंस वेंस निकालना है। बर्थडे है, मम्मा को बोर्ड हग दे दो, चलो हग दे दो,
नाक पे केक चोटा दिया तूने है, नाक पे केक लगा दिया हूँ। तो भाई बहुत थक गई हूँ गाइज मैं, अब जाऊंगी पहले सीधा चेंज करूंगी, उसके बाद मैं मस्त एसी चालू है, अब सो जाने का। बहुत थक गए, सो गए पापा, सो गए रूम में, अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में। नो लिली सिम्बा नो, बार 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 बार, चलो बाहर बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जा रही हूँ, मम्मी मारेगी मेरे को। नाइस एसी चालू देख कर ये दोनों घुस गए और इधर लाइट बंद है, मैं आ गई। वही अभी मेकअप रिमूव करना बाकी है, अब बस नींद आ रही है, 1:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, मैंने चेंज कर लिया है। अब मलिया सो गई, मम्मी पापा सो रहे थे, एसी ऑन किया था रूम में तो सब सो रहे थे, मैं आई तो उठ गए बेचारे, क्योंकि दरवाज़ा खोलते ही सिम्बा ने मेरे पापा के ऊपर जंप कर दिया, सो वो लोग गए अभी अपने रूम में सोने। डूइंग मलिहा सो रही है उधर, कपड़े वपड़े चेंज कर, शर्म कर और सो जा। क्यों जग रही थी, मेरे वजह से जग रही थी, अच्छा नहीं लगता कुछ। मैं नहीं होती तब घर में अच्छा नहीं लगता है ना। मॉर्निंग हो गई है गाइज हमारी और अभी चाय पी जा रही है, आज बर्थडे है मेरा। सो आज क्या करेंगे, आज बर्थडे है, कुछ खास नहीं, सेलिब्रेशन कल हो चुका है, रात को फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाएंगे। अभी मेरा क्या प्लान है, सो अभी मैं पहले तो क्या करूँगी, अभी उठूँगी, मुझे वीडियो बना के देना है एक ब्रांड को, इवन एक नहीं मुझे दो अलग अलग ब्रांड को वीडियो बना के देना है। तो मैं सबसे पहले रेडी होंगी क्योंकि मुझे अलग अलग कपड़ों में वीडियो बना के देना है, तो नहाऊँगी फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी, एडिट करूंगी, दूसरी वीडियो बनाऊंगी, एडिट करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी बाहर, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हम बेगर्स के पास जाएंगे, उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे पास केक भी कल रात को कट किए थे तो केक भी है, एंड मैंने ऑर्डर से मतलब खाना बनवाया है, वड़ा पाव बनवाया है मैंने, क्योंकि गर्मी भी है बहुत। तो हमने वैसे भी हर साल हम बहुत पैसे बर्बाद करते हैं, लाइक बर्थडे बर्थडे क्या मतलब, कुछ मेरे पास हर चीज़ है अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े इतने सारे हैं मेरे पास, कपड़े से लेके जूते से लेके हील्स वील्स कुछ, मेकअप वेकअप अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मेरे पास। तो मैंने इस महीने मतलब इस ये बर्थडे के दिन मैंने सोचा कि मैं इस बर्थडे मंथ में पैसे बचाऊँगी, ठीक है, और मैंने बहुत ही अच्छे खासे पैसे बचाए क्योंकि मैंने 1 रुपया भी इस महीने में वेस्ट नहीं किया है, मैंने पैसों की कदर की है इस महीने, और उस पैसों से मैंने सोचा है कि हम किसी और का दिन बनाएं, ठीक है, कि मतलब जो भी मतलब हम लोग देखते हैं कि बाहर इतनी धूप में लोग 100 रुपये के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं और हम बस ऐसे ही पैसे बर्बाद कर देते। तो मैंने इस महीने पैसों की अहमियत समझी, पैसों को समझ, और जो पैसे हम बस ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं ना, मतलब जिसको ऊपर वाला रोज़ी देता है उनको कदर नहीं होती, तो हम बस ऐसे ही कपड़े में ये वो, हर महीने कपड़े लेना ज़रूरी नहीं होता, मैंने ये बर्थडे मंथ में सीखा। मैंने इस महीने अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके देखा, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं की, और उन पैसों से कितने लोगों का पेट भर सकता है। सो आई डिसाइड के आज हम जाएंगे और 300 लोगों को एटलीस्ट हम एक टाइम का खाना खिलाएंगे, ठीक है, कि उनकी भूख मिट सके। अगर 300 लोगों की भी नहीं मिट पाए तो एटलीस्ट 100-200 लोगों की भूख मिट सके, एक टाइम का खाना खा सके वो लोग। तो बस यही, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, लाइक मैच्योरिटी तो वही होती है ना, अब मैं 23 की हो गई तो अभी भी वही सारी चीज़ें करने में मैच्योरिटी नहीं होती, एंड एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है कि लोग मुझे देखते हैं तो लोग मुझे देख के कुछ सीखे, मतलब लोग कहते हैं ना मुझे कि आपको कुछ अच्छी, बहुत से लोग बोलते हैं आप अच्छी चीज़ें डाला करो जिससे लोग आपको देख के सीखे, आपको इतने सारे लोग देखते हैं तो आपको देख के कुछ अच्छा सीखे। तो मैं हर किसी से कहूँगी अगर आपके पास सब कुछ हो और आप मतलब कुछ कर सकते हो किसी के लिए, आप इतने एबल हो तो बस छोटी सी हेल्प कर दिया करो,
अभी कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि ये सारी चीज़ें नेकी कमाने के लिए नेकी होती है, आप सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो, तो मैं एक बात बताती हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर कोई इंसान गंदी वीडियो डाले, कोई लड़की बोल्ड वीडियो डाले, तो आप बोलते हैं आय हाय कैसी वीडियो डाली। अब इंसान अच्छे काम करके वीडियो डालेगा तो भी आपको तकलीफ होती है कि भाई ये दिखावा क्यों कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आप बुरी चीज़ देखते हो ना, तो ये अच्छी चीज़ देख के भी कुछ सीख लो। और रही बात नेकी की, तो मेरा मानना है, मैं इंसानियत में मानती हूँ, मैं नेकी के लिए नहीं कर रही हूँ ये सब, मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे देख के चार लोग, तो ये सारी चीज़ें इंसानियत के नाते कर रही हूँ, मुझे नेकी की नहीं पड़ी है, मैं नेकी के लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कि भाई मैं किसी को ऐसे, मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं किसी की मदद करूँगी तो मुझे जन्नत मिलेगी, ये सोच रख के मैं कभी कोई सवाब का काम नहीं करती हूँ। मैं बस इंसानियत, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला तभी खुश होगे जब एक इंसान को इंसान बनाया है और वो जाके इंसान वाले काम करे, ना कि जानवर वाले, वही ऊपर वाले का मोटिव होता है। तो बस इंसान हो तो इंसान वाले काम करने चाहिए, नेकी के चक्कर में जब ऐसे तुम्हारे दिल में बस ऐसा ही होगा कि भाई इंसानियत नहीं है, बस तुम ऐसे ही कि बस नहीं मेरे को तो जन्नत में जाना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता ऊपर वाला खुश होगा। जो भी काम करो ना, इंसान को इंसान समझ के करो, इंसानियत के नाते करो, अल्लाह ताला खुद खुश हो जाएगा, ऊपर वाला खुद खुश हो जाएगा। तो बस हेटर्स तो रहेंगे, लेकिन आप सबको कहोगे कि आप भी बस इसी तरह से खुशियाँ, तो आप सब भी खुशियाँ फैलाते रहो, बस खुशियाँ बांटते रहो। बस तैयार हो चुकी हूँ, बस बाहर जाने की देरी है, तो उसके पहले मैं खाना खा लूँ थोड़ा घर का खाना। तो मैं खा रही हूँ वघारेली खिचड़ी, हमारे गुजरात में जो मतलब रात की खिचड़ी होती है उसको फिर ऐसे तड़का वड़का लगाते हैं, उसको वघारेली खिचड़ी बोलते हैं। मुझे रात की बची हुई खिचड़ी और सब्जी खाना बहुत पसंद है, सो अभी मैं वही खाऊंगी ना, मेरा खिचड़ी और बैगन की सब्जी, अभी मैं ये खाऊंगी। सो बर्थडे के दिन घर का खाना इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। हम लोग आ गए हैं, अभी सब कुछ ले लिया है हमने, पीछे वड़ा पाव बहुत सारे और स्विंग हमने कल ही ले ली थी, तो बस अभी जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी हमें जितने लोग दिखे, दो तीन लोगों को तो दे दिया है मैंने, और अभी मिसबा का वेट कर रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबको देंगे खाना। चार बज गए हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी बहुत सारा फूड है और पेपर बोट अभी भी है कि हम बहुत सारे लोगों को अभी भी दे सकते हैं, तो अच्छा काम चल रहा है। और हम लोग को बहुत इतनी बरकत हो गई है ना कि मतलब हम लोग इधर से उधर बस घूमे जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें कोई और लोग, कहाँ मिलेंगे। और दूसरा कि अभी दोपहर का वक्त है,
ज़्यादातर लोग काम में बिजी होते हैं ना, हम सब लोग अलग अलग जगह काम में लगे हुए हैं, तो अभी देखते हैं, अदरवाइज फिर शाम को ही हमें देना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 4 तो बज गए हैं, 5-6 बजे के बाद सब लोग आएंगे। बाय 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 बाय। कौन बाकी थे बड़ा पापा? मैं सुबह से निकली हूँ, अभी ऑलमोस्ट 5:45 बज गए हैं और हमने 70% खाना बांट दिया है, लेकिन फिर भी अभी 30% बचा है और 30% में इतना बचा है कि 100 लोग आराम से खा ले। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम कब से वडोदरा में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, 70 किलोमीटर तो घूम ही रहे, लेकिन अभी भी चालू है कोशिश। और अगर हमसे नहीं हुआ तो फिर एक संस्था को कॉल किया है हमने, हम उन्हें दे देंगे, फिर वो वहाँ से बांट देंगे। अभी हम लोग फाइनली थोड़ा सा ब्रेक लिया है, हमने सोचा कि थोड़ी सी चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर वापस हम काम पे लगते हैं और रात को हम लोग डिनर भी करने के लिए जा रहे हैं। तो डिनर के लिए हमने सोचा था हयात में जाए, लेकिन हयात वडोदरा हयात प्लेस वो बहुत ही बुक है, फुल है, उन्होंने बोला पूरा फुल है। सो अभी हमने सयाजी डिसाइड किया है, तो हमें घर भी जाना है, चेंज भी करना है, हम सूत्र बाहर ही चेंज कर लें। तो बहुत है। हम लोग मतलब कार में, मतलब 1 बजे से लेकर 6 बजे तक 6 घंटे कार में ही घूम रहे हैं हम लोग। सो थक गए हैं, पर अभी बस जल्दी जल्दी खाना सबको दे दे, उसके बाद आराम से शांति से बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे एंड केक वेक कट करेंगे। देखा दिन नहीं देखिए ये मुझे क्या मिला है, ये पिल्लो है जिसमें मेरा फ़ोटो है, मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया है, तो थैंक यू सो मच, और बहुत ही अच्छा है, क्यूट है। अभी फिर भी थोड़ी सी पेपर बोट बची है, रात के 8 बजने आए हैं, ठीक है, तो वो भी रात को मैं मतलब अपने ब्रदर से या किसी और से, फ्रेंड से मैं बोल के उसे भी हम बांट देंगे। लेकिन अभी केक वेक ले लिया है फ्रेंड्स, मतलब खुद ही का केक मुझे लेने जाना पड़ा था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, तो मुझे चेंज करना है वैसे भी, तो मैं अपनी नानी के घर पे ही जा रही हूँ, तो मैं अपनी नानी के घर पे जाऊँगी, उनसे मिल भी लेती हूँ, आज बर्थडे है तो, और वहाँ पे मैं चेंज भी कर लूँगी। सो अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने फाइनली। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मतलब काम किया, अच्छा काम किया और थकान भी लगी। जब कुछ काम करते ना, मतलब जैसे घर पे तो ऐसे ही वैले बैठ रहे थे, टाइम भी नहीं जाता, आज काम करके बहुत अच्छा लगा, थकान भी महसूस हो रही है, अब घर पे जाके बहुत अच्छी नींद आएगी। हम आ गए हैं मेरी नानी के घर, और मेरी नानी के यहाँ से अभी मेरी ईदी भी लेना बाकी है। लव ईदी, ईदी ईदी 100 रुपये, 200 मिले, 200 रुपये बर्थडे गिफ्ट अब बाकी। सो ये केक देखो, इसको काटने का भी मन नहीं कर रहा है, तो अभी जल्दी से इसको कट करना है और फिर हमको खाना खाना, बहुत खुश लग रही है मिस बहुत ज़्यादा। मिस बाह मेरा 2 किलो वेट लॉस हो गया, वेट लॉस कर लिया, अभी हम खुश के खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे। और गाइस बताओ ये केक कैसा लगा, ये मेरी चॉइस का केक है, इस बार मैंने मतलब ऐसे कुछ ढूंढा क्या, इस बार कुछ नया करते हैं, तो मुझे कमेंट में बताना ये केक कैसा है और इसकी प्राइस क्या होगी वो भी मुझे बताना। अभी हम लोग कलेजी खाएंगे, तो ये है मटन कलेजी एंड अभी थोड़ी देर बाद शावरमा भी ट्राई करते हैं। इस बार मैं तो कलेजी खाने में बिजी हूँ। हाउ इज द कलेजी? मस्त मस्त, अच्छा लगा।
लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन चलो ठीक है अब खा लिया। मतलब हम लोग बहुत भूखे थे, जो भी मिला अल्लाह का शुक्र है, चीज़ से सब खा लिया मतलब। पर मुझे अच्छा लगा यहाँ पे प्रॉन्स, मुझे नहीं अच्छे लगे, चिकन यहाँ का ज़्यादा अच्छा। तो आप भी ट्राई कर सकते हो वडोदरा सयाजी होटल पे डिनर बफेट के लिए। सो अभी बस जल्दी जल्दी कर जाना है वरना हमें मार पड़ेगी।